अरे भाई, ये मुझे लाइब्रेरी में क्यों ले आए? ऐसा क्या OMG है यहाँ जो हम सीधे यहाँ आ गए? यही सोच रहे हैं ना आप? अब बोलिए OMG। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी छोटी क्यूट सी दिखने वाली बुक्स हैं, मिनिएचर बुक्स। ऐसी ही 4000 से भी ज्यादा मिनिएचर बुक्स का कलेक्शन है सिद्धार्थ मोंटी जी के पास। ये हैं हमारे मिनिएचर बुक कलेक्टर। मोहंती जी का विशाल मिनिएचर कलेक्शन देखने हम पहुंचे हैं भुवनेश्वर, ओडिशा। मोहंती साहब, सबसे पहले ये तो बताइए, ये मिनिएचर बुक्स होती क्या है? मिनिएचर बुक इज डिफाइंड बाय एनी बुक विच हैज रीडेबल टेक्स्ट विच इज maximum of 3 inches in length in any side. That is how the nomenclature is. It all started in 2003. I had been to Chennai. तो वहाँ पे एक bookshop पे I saw a very cute looking book. So I fell in love with it. It was a Bhagavad Gita by Srinivas Fine Arts. फिर उसके बाद बीच-बीच में I kept on picking up कहीं-कहीं miniature books और internet पे पढ़ते भी गया। उसके बाद जनाब रुके नहीं और 2010 में मोहंती जी US की मिनिएचर बुक सोसाइटी के एक लौते इंडियन मेंबर बने। सो वहां से मेरे को बहुत सारे लीड्स मिले। आई स्टार्टेड अटेंडिंग ऑक्शंस, ऑनलाइन ऑक्शंस मोस्टली। ऐसा कर करके आई बिल्ड अप माय कलेक्शन। माना जाता है कि 2500 और 2000 BCE के बीच सुमेरियन मिनिएचर स्टोन स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे और मिनिएचर बुक्स उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। 15th सेंचुरी के आसपास सबसे पहले एक रेगुलर साइज बुक का मिनिएचर वर्जन बनाया गया ताकि उसे आसानी से कैरी और स्टोर किया जा सके। शुरुआती मिनिएचर बुक्स धार्मिक किताबें थी जो खास तौर पर लोग ट्रैवल करते वक्त अपने साथ रखना पसंद करते थे। 19th और 20th सेंचुरी में ग्लासगो के डेविड ब्राइस एंड सन्स पब्लिशिंग कंपनी ने मिनिएचर बुक्स को एक्चुअली पॉपुलर बनाया अपनी बेहतरीन प्रिंट क्वालिटी और ऑर्नामेंटल मेटालिक बुक केसेस से, जो एज अ लॉकेट भी पहने जा सकते थे और केस में लगा मैग्नीफाइंग ग्लास बुक को पढ़ने के काम भी आता था। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है डेविड ब्राइस में। अबाउट 40-50 गीताज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस है मेरे पास, विच इंक्लूड माइक्रो मिनिएचर्स, फिर गीता पंचरत्न प्रिंटेड बाय ब्राइस, विच इज एक्सट्रीमली रेयर। मोंटी जी के पास ऐसे करीब 100 मिनिएचर गीता हैं और साथ ही हैंड रिटन इथियोपियन कॉप्टिक बाइबल और कोर्दे एविस्टा जो इन्होंने ऑनलाइन ऑक्शन में खरीदी हैं। कोर्दे एविस्टा इज द रिलीजियस बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस। प्रोबेबली 5-10 होंगे होल वर्ल्ड में, कोई कोई छोटे छोटे म्यूजियम्स में है। एंड आई हैव 3 एडिशंस ऑफ कोर्दे एविस्टा ब्राइस एडिशन रिटन इन गुजराती, जो बहुत ही रेयर है। और रेयर कलेक्शन की लिस्ट तो अभी शुरू हुई है। इनके पास 18th सेंचुरी के कई एल्मनैक्स भी हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स, वेदर फोरकास्ट, रिलीजियस फेस्टिवल्स का एनुअल कैलेंडर होता है। करीब 200 बाइबल्स जिसमें ब्राइस की माइक्रो लॉकेट बाइबल्स और चेन्ड बाइबल्स ऑन स्टैंड्स भी हैं। करीब 20 लैंग्वेजेस की अलग अलग साइज में 300 डिक्शनरीज जिसमें ब्राइस की वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डिक्शनरी भी है जो 1.12 इंच बाय 0.75 इंच की है। लिटरेचर पढ़ने के शौकीन मोंटी जी के पास सबसे बड़ा और यूनिक कलेक्शन है शेक्सपियर की 300 मिनिएचर बुक्स का, जिनमें उनके सभी प्लेस शामिल हैं। और अपने इस रेयर कलेक्शन से मोंटी जी ना सिर्फ इन किताबों की नॉलेज प्रिजर्व कर रहे हैं बल्कि हिस्ट्री के अनोखे तोहफे को भविष्य के लिए संजो भी रहे हैं। अब इसे OMG नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? OMG, ये मेरा इंडिया।